नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं श्रीलंका बुंस वर्सेस बांग्लादेश बुंस के बीच फर्स्ट ओडीआई मैच है। डीप लायंस करेंगे स्टेडियम फुल स्टेप प्रेजेंट फॉर। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 24,600 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को अपने ज्वाइन करना। दोस्तों मैंने कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfw देख के 24,600 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 9:30 से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है पी सारा ओल कोलंबो श्रीलंका के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों की पिच की, तो वैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड में बॉलर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बहुत ज्यादा बड़े स्कोर यहाँ पे देखने को मिलते नहीं, और वुमेंस के मैचेस हैं तो वैसे भी ज्यादा स्कोरिंग होगी नहीं, आप 200 से 220 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीलंका वुमेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे जो सारे प्लेयर्स के स्टैट्स लिखे हुए रीसेंट के स्टैट्स हैं, यही बैटिंग ऑर्डर लगभग फॉलो होता दिखेगा। श्रीलंका ने जो लास्ट ओडीआई मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें दोस्तों यही बैटिंग ऑर्डर उनका फॉलो हुआ था। श्रीलंका की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे चमारी अटापट्टू, उनके साथ ओपन करने आएंगे बिस्मी गुणरत्ने। बात करें अटापट्टू की, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक डालती हैं और इस टीम की मतलब एक तरह से कहते हैं दिल धड़कन सब कुछ अटापट्टू ही है। यदि ये परफॉर्म करेंगे तभी श्रीलंका जीतेगी, नहीं श्रीलंका इस मैच को हार भी सकती है, तो बांग्लादेश वुमेंस की टीम बेहतर है। इस टीम अटापट्टू ने लास्ट के 4 मैच खेले 29 रन 1 विकेट, 78 रन 1 विकेट, 35 रन 3 विकेट, 75 रन 1 विकेट। रीसेंट में फॉर्म कमाल का है। अभी हांगकांग के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था फेयरवेक T20, वहाँ पे ये खेली थी और वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी शानदार रहा था। बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही थी और यहाँ पे आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए नजर आएंगे। तो कैप्टनसी की एक सेफ ऑप्शन रहेंगे, आप स्मॉल लीग खेलें तो आप बिल्कुल इन्हें कैप्टन बना सकते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे बिस्मी गुणरत्ने, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक ठाक से पिक है। लास्ट के जो 5 गेम खेले 0, 24, 1, 35 और 13 किया हुआ है। ग्रैंड लीग में आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हो, ओपन करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करिएगा। नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर रहेगा यहाँ पे हैशनी परेरा का, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। लास्ट के जो 5 गेम खेले 0, 13, 18, 11 और 5 का स्कोर किया, बिल्कुल भी खास पहुंच नहीं है, 20 के ऊपर अभी तक स्कोर नहीं गया, आसानी से छोड़ सकते हैं। टू राउंड बैटिंग करते देखेंगे हर्षिता माडवी, ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। लास्ट के जो 5 गेम खेले हैं 8, 34, 69, 8 और 16 का स्कोर किया, वो बैटिंग सेक्शन आप इनको पिक कर सकते हो। आखिरी के 5 मैच में 2 अच्छे स्कोर हैं 34 के और यहाँ पर 69 के, तो कभी भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 35-40 तो आप आराम से उम्मीद कर सकते हैं। तो एज ए प्लेयर आप इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन से। नीलाक्षी डिसिल्वा लास्ट में आके हार्ड हिटिंग करने का काम करती है, हालांकि आखिरी के जो 5 गेम हैं उसमें से एक ही अच्छा स्कोर है 41 का, बाकी 0, 15, 4 और 29 के थोड़े छोटे स्कोर भी हैं। तो एक आध जीएल में रोटेट करिए, यदि मतलब यदि आप हिटिंग वाइज देखेंगे तो माडवी से ज़्यादा बेहतर नीलाक्षी डिसिल्वा बड़े शॉट ज्यादा लगा सकती हैं, लेकिन मारवी थोड़ा सा संभल के खेलती हैं, थोड़ा सा रुक के खेलती हैं, इसलिए स्मॉल लीग में मैं इन्फोसाइज करूंगा। जीएल में लीलाक्षी डिसिल्वा को जरूर रोटेट करिएगा। कभी सा दिलेरे भी एक अच्छी ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक डालती है, रीजन में फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आखिरी के 5 गेम उतने अच्छे नहीं गए, 4 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट 1 विकेट, आखिरी 5 मैच में सिर्फ इनके नाम 2 विकेट हैं और बैटिंग से भी मतलब कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सीबीसी की तब एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि जब पूरा गेम होगा ना तो आपको 8 से लेकर 10 ओवर की बॉलिंग डालती हुई दिखेंगी। यदि बैटिंग की बात करेंगे तो नंबर 6 के आसपास आसानी से आ जाएंगी, इवन यदि टीम के टॉप ऑर्डर कभी जल्दी गिर जाते हैं तो संभालने के लिए ऊपर भी आ सकती है, नंबर 4 के आसपास भी आ सकती हैं। तो कमाल के ऑलराउंडर है, भले ही लास्ट के 4 गेम उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन अपनी टीम में बैक जरूर करिए। और यदि आप रिस्क टेकर्स हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ठोक दीजिए, कैप्टन तो नहीं लेकिन वाइस कैप्टन जरूर सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि है अच्छे ऑलराउंडर। इस टीम के जो कीपर है अनुष्का संजीवनी, मान के चलिए बतौर कीपर इसको खिलाते हैं। लास्ट के जो 10 गेम खेले किसी लास्ट के जो 5 गेम खेले किसी मैच में 10 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए तो आसानी से आप छोड़ दीजिएगा। और शादी राणा सिंह इंपॉर्टेंट है, ऑफ ब्रेक डालती है। अब आखिरी के जो 4 मैच हैं 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, आखिरी के 4 गेम में 5 विकेट निकाले, विकेट टेकिंग बॉलर है, आप इनको बिजी कर सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर रखेगा सुगंधिका कुमारी, आप जेल में ट्राई कर सकते हैं। आखिरी के दोस्तों जो 5 गेम के लिए 2 ही विकेट इनके नाम है, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगी। इनोका राना भी बहुत अच्छी बॉलर है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, विकेट टेकिंग बॉलर, ये भी आपकी टीम होना चाहिए। उसे यदि का प्रबोधनी लेफ्ट आर्म पेसर, शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को मदद मिलेगी, तो इस टीम का पहले बॉलिंग आता है श्रीलंका का, तब आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्क्वाड अनाउंस किया श्रीलंका ने, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्क्वाड, बहुत सारे, बहुत बड़ा स्क्वाड है, इतना स्क्वाड कौन अनाउंस करता है। और यही प्लेइंग 11 मुझे लगता है रहना चाहिए, लास्ट मैच में जो लोगों ने खिलाया हुआ था। यदि कुछ भी लाइनअप में चेंजेस होते हैं, कोई भी प्लेयर बेंच से प्लेइंग 11 में आएगा नया, मैं उसके स्टेट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, मैं आफ्टर टॉस मॉर्निंग में आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ पर जुड़ना एकदम से फ्री है। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
ऑलरेडी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे 24,500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो देर मत करो, आप भी आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आपने ज्वाइन कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बांग्लादेश में, उनकी इनकी तरफ से आप ओपनिंग करते हैं मुर्शिदा खातून, उनके साथ ओपन करने आएंगे शमीमा सुल्ताना। बात करें मुर्शिदा की, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अब दोस्तों आखिरी की जो उन्हें 5 मैच खेले हैं कोई बहुत इंपैक्ट वाली इनिंग्स नहीं आई, आखिरी 5 मैच में एक ही अच्छा स्कोर है 30 का, बाकी फेलियर है 2-0, 7-0। मेरे हिसाब से आप इनको ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं, T20 की थोड़ा ज्यादा बेहतर बल्लेबाज मान जाती है, वनडे में उतना प्रेफर नहीं करता। शमीमा सुल्ताना विकेट कीपिंग सेक्शन से रख सकते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास, आखिरी के जो 5 गेम रहे हैं 7, 11, 14, 1 और 20 का स्कोर किया है। रिसेंट में कोई बहुत बड़ी इनिंग्स इनके बल्लेज नहीं आई, लेकिन फिर भी यदि बतौर कीपर मेंशन होती है तो आप ट्राई कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से, क्योंकि श्रीलंका वाली टीम के जो कीपर है ना उनसे तो बेहतर ही है। वन डाउन बैटिंग का तो देखेंगे, फरगना के बहुत टाइम बाद इनकी वापसी हो रही है, वहाँ से 1-2 साल पहले रेगुलर खेला करती थी बांग्लादेश के लिए, आखिरी के जो 5 गेम है 1-7, 20-1-7 का स्कोर है, तो उतना कुछ खास पहुंच नहीं है, रिस्क जरूर रहेगा, फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा था और इसी वजह से ड्रॉप भी हो गई थी बीच में बांग्लादेश टीम से, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस बहुत है। निगर सुल्ताना अभी फेयरबैक T20 के अंदर खेल रही थी हांगकॉन्ग में, तो वहाँ पर बिल्कुल ही खराब पहुंच था, वहाँ पर टॉप ऑर्डर उनको खिलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी 11-9, 11-1 का स्कोर था, लेकिन वनडे में अच्छा कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता तेज खेलने का, आराम से टुक टुक करके धीरे धीरे खेल सकती हैं, तो ट्राई कर सकते हो, अच्छे ऑप्शन आएंगे। स्वर्णा अख्तर रीसेंट में एक उभरती हुई प्लेयर है इस टीम की, बांग्लादेश की, रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा था, 11 रन 0 विकेट 31 में 1, 12 में 1, 5 में 0, और इनको मौके भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, मिडल ऑर्डर बैटिंग करने को मिल रहा है, प्लस लेग ब्रेक डालती है कुछ करके, रखना जरूर सीबीसी ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। लता मंडल एवरेज ऑप्शन है, खेलती भी है तो आसानी से छोड़ सकते हो। रितु मोनी की बात करें, कुछ और की बॉलिंग कर सकती है, थोड़ा बहुत फील्डिंग कर सकती है, 17, 5 में 0, 3 में 0, 2 में 0, 11 में 0, इन लोगों के पास मतलब इनके एक ऑलराउंडर हुआ करती थी रोमाना अहमद, मतलब हुआ क्या करते थे हैं, लेकिन उनको पता नहीं मतलब स्क्वाड में क्यों नहीं रखा थी, वो होती तो शायद इनकी टीम ज़्यादा मजबूत रहती। और यहाँ पे नाहिदा अख्तर भी बहुत अच्छे लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं, 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, हालांकि T20 वाले स्क्वाड में शायद आपको दिखे रुमाना अहमद, अभी T20 का स्क्वाड इनका अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ओडिया के स्क्वाड में नहीं रुमाना अहमद नहीं है और फातिमा खातून वगैरह नहीं है, तो इसलिए बांग्लादेश की टीम मतलब दोनों टीम बराबर है ओवरऑल देखा जाए तो। जहानार आलम की बात करें, राइट आर्म मीडियम, इनका भी पहुंच बहुत खराब है, आखिरी के जो 5 गेम खेले उसमें सिर्फ 2 ही विकेट इनके नाम है, ये भी फेयरबैक T20 के अंदर खेल रही थी, फॉर्म बहुत खराब था। फातिमा खातून की बात करें, लेग ब्रेक है, उतने इंपैक्ट वाले बॉलर भी नहीं, आखिरी 5 मैच में 2 ही विकेट है। और ऐसे तृष्णा लेफ्ट आर्म पेसर है, आखिरी के देखेंगे 5 मैच में इनके नाम 4 विकेट है, 1 में 3, 1 में 1। अब दोस्तों बेंच में जो प्लेयर हैं ये लोग शायद शोभनम मुस्त्री को भी खिला सकते हैं, जो कि टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, बतौर ओपनर पे नंबर 3 खेलती हैं, और बाकी जो रबिया खान वगैरह शायद नहीं खेलेंगे, मुझे लग रहा है शोभनम मुस्त्री को लोग किसी न किसी तरीके से अपनी प्लेइंग 11 में फिट कर सकते हैं, ये लोग शायद हो सकता है लटा मंडल को बाहर कर दें और यहाँ पे कहीं बीच में फिट कर देंगे उसको, देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश में उसका यही लाइनअप रह सकता है, प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर, कुछ भी चेंजेस होंगे, कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 से मतलब प्लेइंग 11 में जुड़ेगा स्क्वाड से, उस प्लेयर के स्टेटस टेलीग्राम पे मिलेंगे, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। 24,500 ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, आप भी जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 50,000 लोगों की अपनी फैमिली बनने वाली है, तो आप क्यों पीछे उसका हिस्सा भी बने, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों बात करते हैं हम इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना के साथ जा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे शमीमा सुल्ताना है, दोनों ही बांग्लादेश के लिए टॉप ऑर्डर खेलेंगे, अब इसमें से जो भी बतौर कीपर मेंशन होता है उसके साथ जाइए, अभी के लिए मेरी टीम में निगर सुल्ताना है और यहाँ पे कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। बात करें बैटिंग सेक्शन की, इसमें 2 प्लेयर लिए, फरगना बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं इसलिए ये मेरी टीम में, नीचे दोस्तों मैंने एच परेरा को लिया हुआ है, हालांकि आपके पास 1-2 ऑप्शन और हैं, आप ट्राई करना चाहो, मुस्त्री को भी ट्राई कर सकते हो खेलते हैं तो, और ऐसे मुर्शिदा खातून को आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर लीजिएगा, और यहाँ पे निराक्षी डिसिल्वा भी ठीक ठाक ऑप्शन है शायद, हाँ निराक्षी डिसिल्वा को उस एप्लीकेशन पर ले सकते हो जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी होते हैं, तो वहाँ अपनी लैसी रिसीवर ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आफ्टर टॉस मैं भी इनके बारे में सोचूं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, यहाँ से 5 ऑलराउंडर मिल रही है, चमारी अटापट्टू हो गई, ओराना सिंह हो गई, ऋतु मोनी हो गए, कवि सदलेर हो गए, ये 4 के 4 मस्ट पिक हैं, और यहाँ से स्वर्णा अख्तर भी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों स्वर्णा अख्तर हो गई और ऊपर देखेंगे ऋतु मोनी, इनमें से किसी एक को हटा के आप यहाँ से नीलाक्षी डिसिल्वा को ले सकते हो, यदि आप किसी ऐसी एप्लीकेशन में खेल रहे हैं यहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी है। बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, यहाँ से मैंने जहानार आलम को लिया है, आईराना बीरा है, इन अख्तर है, 3 की 3 इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं छोड़ सकते, एफ खातून, सुगंधिका कुमारी नीचे देखें, और नीचे आपको कोई प्रबोधनी, इन लोगों को आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन ने करा हुआ है ऐसे चमारी अटापट्टू को वाइस कैप्टन, दोस्तों कविता दिलहरी हैं, रिसेंट में फॉर्म वही कविता दिलहरी को उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मिड ऑर्डर में बैटिंग करती हैं और 8 से लेकर 10 ओवर की बॉलिंग करती हैं, इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन करा हुआ है। हालांकि मैं इनकी टीम में प्लेइंग 11 आने के बाद देखूंगा नंबर ऑफ बॉलर कितने खेल रहे हैं, यदि मुझे लगेगा कन्फर्म 10 ओवर डालेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी वाइस कैप्टन नहीं रहेंगी, नहीं तो आफ्टर टॉस वाइस कैप्टन में राणा सिंह या फिर यहाँ पे नाहिदा अख्तर, इन दोनों में से किसी एक को कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आप किसी ऐसी एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहाँ पर 3 बैटर लेने जरूरी है, तो आप ऋतु मोनी की जगह यहाँ से नीलाक्षी डिसिल्वा ले लीजिएगा, जो श्रीलंका के बैटर है वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, तो एक चेंज आप उस एप्लीकेशन पे कर लीजिएगा। बाकी जो मेरा ड्रीम का टीम होगा और अदर एप्लीकेशन का टीम होगा, दोनों टीम में आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिस टीम से मैं खेलूंगा। तो यदि आपने नहीं ज्वाइन किया था टेलीग्राम चैनल तो आप बहुत पीछे हैं, 24,500 ज्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री है,
तो डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, आप भी जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि 50,000 की फैमिली हमारी बनने वाली है। और सब्सक्राइब करने से आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आपको समय से नोटिफिकेशन भी मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।